जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का युवराज की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहली की एक और नई वीडियो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ में इन पहेलियों का सही आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से बनी होती है लेकिन पानी में डालने पर वह मर जाती है? बताइए कौन सी चीज़ है। आंसर होगा बर्फ। नेक्स्ट पहेली है, पीकर पानी पेट भर, फेफड़े कर लूँ तर, मुँह से फिर फेंकू हवा, ठंडा हो जाए घर। बताइए क्या है। आंसर होगा कूलर। नेक्स्ट पहेली है, ऐसा कौन सा जानवर है जो चलता है तो कूदता है और खड़ा होता है तो बैठ जाता है? बताइए कौन से जानवर है। आंसर होगा कंगारू। नेक्स्ट पहेली है, यदि तुम मुझे खिलाते हो तो मैं बढ़ता हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे पानी देते हो तो मैं मर जाता हूँ, मैं कौन हूँ? आंसर होगा आग। अगली पहेली है, तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, अंत कटे तो कम हो जाऊं, मध्य कटे तो कल हो जाऊं, बताओ मैं क्या कहलाऊं? आंसर होगा कमल। नेक्स्ट पहेली है, एक आदमी जो बारिश में बिना छाता के बाहर था, उसके सिर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, बताइए क्यों? आंसर होगा वह गंजा था। अगली पहेली है, यदि एक मुर्गा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके छत पर बैठता है तो अंडा किस दिशा में गिरेगा? बताइए सोचकर इसका आंसर। आंसर होगा मुर्गा अंडा नहीं देता। नेक्स्ट पहेली है, आप नाश्ते में कौन सी दो चीजें कभी नहीं खा सकते हैं? सोचकर बताइए। आंसर होगा लंच और डिनर। नेक्स्ट पहेली है, वो कौन सा शब्द है जो हर डिक्शनरी में गलत ही पढ़ा जाता है? बताइए इसका आंसर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आंसर होगा गलत। नेक्स्ट पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी से बनी है लेकिन उससे सूरज भी नहीं सुखा सकता? सोच कर बताइए इसका आंसर। आंसर होगा पसीना।